तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ, तो ये एक बात है सर। अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सर। मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। सर मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ, और जिसने रथ यात्रा निकाला। इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया। तो ये 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 बताता है, ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात ये है कि सर इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी चले जाएंगी, आप आए मैं आया हम भी चले जाएंगे, मैं जमीन की गिजा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर ये मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है, लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आईन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्वोकली कंडेम्स द डेसिक्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या बाई एंड एट द इंस्टिगेशन ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग अदर्स बाई VHP, RSS एंड द बजरंग दल विच हैज कॉज्ड कम्युनल वायलेंस इन द कंट्री, सच एक्ट ऑफ वैंडलिज्म वॉज कैरिड आउट नॉट ओनली इन वायोलेशन ऑफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट बट अमाउंटेड टू एन अटैक ऑन द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ आर कंट्री। दिस हाउस एक्सप्रेसेज एंग्विश एट द हैपनिंग्स एंड विशेज टू रिएटरेट इट्स रिजॉल्व दैट इट विल सीजेसली एंडेवर टू अपहोल्ड द सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ आर कंट्री एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। और एक पैराग्राफ में नहीं पढ़ूंगा, मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ, तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है, राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तथ्यों के आधार पर निर्णय है, वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर, और
मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सर। आपको मैं कोट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट The destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो criminal act कहा। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं।